एक चीज और बताओ अब कि जा साल डंप चौका में कर दो और पिछले साल मद्दा में सब निकाल दे कीता पैदे तो जा साल तो उम्मीद है कि बढ़िया मिल जाओ हिसाब किताब तो कुल्ड में चो रखे हैं फिर कछु थोड़ी बहुत बात रेट बढ़िया मिल गया तो किसान ने ज्यादा डंप पंप लगाए ना है है वो कछु कुल्ड में बेच दें ओ कछु आ जाके बातें के जाने कहां पे कहेगा तो कछु कौन बद दे मैं बाबा कौन न बजे बस कोल्ड की क्या कह रहा हूँ किसानों के इतने तक पीछे जागो कौन न ज्यादा बात रहा एक तो किसान कह रहा हूँ कि भैया 2000 तक काट चालू हो कौन 2000 रुपया कुंटल थे। हाँ अच्छा तो खुलेगा खुल जाएगा 2000 रुपया कुंटल थे। अजी तो मालूम नहीं ज्यादा खावा आपकी यहाँ मैं देख रहा हूँ अधिकतर जो है खेतों में, आप मेरे पीछे देख पाओगे आलू की खुदाई के बाद में लोगों ने परिवर्त करके कुछ फसलें बो दी हैं या सब्जियां लगा दी हैं। जैसे इसमें ये जहाँ तक मैं समझता हूँ ये कद्दू के लिए तैयारी है, और साथ ही साथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ आप पीछे इधर ये देखोगे तो आपको यहाँ से नजर नहीं शायद आप तो अच्छे से आ रहा हो, ये पीछे डंप लगा दिए गए हैं। तो मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब की इस बार डंप की स्थिति क्या है, किस तरह की है। अगर कोई किसान यहाँ पे मिलेंगे तो उनसे भी बातचीत करेंगे, बाकी कम से कम आप लोग ये देख पाओगे कि यहाँ पे डंप किस तरह के लगे हुए हैं, कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं और कितनी संख्या में ये डंप हैं। अभी मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ, आपको मैं आगे के कैमरे से दिखाता हूँ। एक मिनट, ये देखिए ये कि ये यहाँ पर डंप लगा है, शायद इसमें थोड़ी बहुत भराई चल रही है, लेकिन जो है यहाँ पे किसान अभी मौजूद नहीं है। आगे आप देखोगे तो आगे उधर भी डंप लगे हुए हैं, तो अगर कोई किसान मिलेंगे तो उनसे बातचीत करेंगे कि डंप किस उम्मीद से किसान लगा रहा है, क्या उम्मीद कर रहा है डंप के आलू को लेकर के, क्या भाव से डंप के आलू का मिलेगा। ये देखो आप यहाँ पे कुछ पैकेट जो है भर के रख दिए गए हैं, बाकी इधर ये भी डंप लगा है और इधर ये भी डंप पड़ा हुआ है। आप आगे देखोगे आगे भी आपको डंप दिखाई देंगे, आगे ढेर दिखाई देगा। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये ढेर है, उसके आगे एक ढेर है, उसके आगे भी एक ढेर है, इधर ये साइड में एक ये ढेर है। तो आपको जगह जगह यहाँ पर डंप देखने को मिलेंगे, और दूसरी तरफ इधर भी आप देखोगे तो इधर भी आपको डंप, एक इधर और जूम करता हूँ मैं तो आपको दिखेगा थोड़ा सा, ये देखिए ये रहा एक, और उसके अलावा ये जो आगे पेड़ हैं उधर भी है डंप, उधर शायद आलू की भराई भी चल रही है। तो चलते हैं उधर, जरा उधर भी देखेंगे चल के क्या स्थितियां हैं और किस तरह की हैं। साथियों मैं अभी धीमसरी के पीतापुरा गांव में हूँ और मेरे साथ में बाबूलाल जी हैं। तो भाई साहब अगर मैं पूछूं आपसे तो डंप पंप की क्या स्थिति है इस साल आपके पीतापुरा में या आसपास आपके नौबरी वगैरह में, यही क्षेत्र ज्यादा है डंप वाले? हाँ हाँ डंप वाले यही है परुते कमी है कितने कम होंगे? परुते समझो आधे आधे है आधे आधे। आप पे जा साल कितने आलू हुए? अब हम पे अगर 20 बीघा आलू है। हाँ 20 बीघा है, कितने को डंप लगा हुआ है आपने? वही आलू तो जी 6-3-9 बीघा को लगा 9 बीघा को लगाओ है। और पिछले साल कितने बीघा को लगाओ? पिछले साल लगो रहा ऊपर हमारा तो नहीं तो कितने बीघा का हो पिछले साल, मतलब 20-22 बीघा पिछले साल आलू होंगे? हाँ हाँ पिछले साल तो भरे बागों बी भी जो काटू बस बस से, 100-150 कट्टा और सब बी पूरा डंप लगाओ, कोल्ड ना भेजे बिल्कुल बीज के अलावा? परो हाँ नहीं सब डंप पे दे निकालो और जा साल कोल्ड कछु भेजो है। ज्यादा हम तो भेज दो जी जा जा खेतों में से चलो कोई कितने पैकेट डाल जाओगे कोल्ड में? जावे पैकेट पहुंच गया मैंने कहा बीए सुनना दो ढाई से वहां 2-2.5 से बीजे के पहुंचा दे और 100 पैसे पहुंचा दे वैसे पहुंचा दे। तो एक चीज और बताओ अब कि जा साल डंप चौका में कर दो और पिछले साल मद्दा में सब निकाल दे खेता पैदे तो जा साल तो उम्मीद है कि बढ़िया मिल जाओ हिसाब किताब तो कुल्ड में चो रखे हैं फिर कछु थोड़ी बहुत
मंडी भेजो है ना खेता पे जी कहे भेजो मंडी भेज दे उन्हें 150 कट्टा और 90 एक दिन आ गए कैसे रेट मिल गए 90 तो वे 14 के बिके हां और 150 के 13 के 13.5 के अच्छा तो पहले ही भेज दे शुरू में ही अबे आगे भेज हां जो अभी आगे भेज दो अच्छा डंप की काम भी दिख रही है कि डंप के इतने रेट मिल जाएंगे डंप भर गए तो ना कहा वो क्या तो उन्हें कहा कुछ उम्मीद तो हुई आशा तो लगावत हुई है किसान आशा तो रहती है भाई के करे आज तो आओ जो कुछ हो सो तो ईश्वर के हाथ है वो तो कह रहे थे हां डैम पुकार और कोई हवा तो 1500 करे तो ठीक है 1500 को क्विंटल को के क्विंटल को 1500 रुपया क्विंटल डंप नहीं करे तब तो पर तो बहुत मत पर का रेट के बेचे डंप पर तो जी बेचे माने 1100 को लग जाते सही मंडी में नहीं डंप पे बात कर रहा हूं डंप पे मंडी भेजेगे डंप खेत पे उठ गयो नहीं डंप पे मंडी भेजो जाऊंगा मंडी भेजोगे मंडी भेजेंगे कछु दिन रुक के हां कब तक रुकोगे अब जी का रुकेंगे अब जी 5 झटे न रुके 5 झटे को भरेंगे अच्छा ज्यादा 10-15 रुकेंगे बस ये छटाई करवाए ददना है कैसे ददना जी तो वैसे ही जी वैसे ही रहे तो जब फिर बाद में फिर रही गुल्ला बुल्ला नहीं करा तो फिर भाई भी जाओ सब मंडी भेजो वो जी तो वो समझो बर्बाद हो गो अच्छा हां नेक्स्ट हो जो भी तो से अच्छा आप नौ भी ना आए और फिर वो 3 साल करते हैं 3 साल कौन सा आलू है जी 302 है 302 है तो जा साल आपके हिसाब से कम से कम 50% कम ही होंगे डंप कर रहे और वो क्या होता है रेट बढ़िया में लगा है तो किसान ने ज्यादा डंप पंप लगाए ना है वो कछु कोल्ड में बेच दें वो कछु आ जाके बात है कि जाने कहां पे कहेगा तो कछु कोल्ड में बदते बाबा कोल्ड में बजे अरे कोल्ड की क्या कह रहा हूं किसानों के इतने तक बिच जाओ कोल्ड ज्यादा बात रहा एक से तो किराए का रहा कि भैया 2000 तक काट चालू हो 2000 रुपया क्विंटल थे हां अच्छा खुलेगा तो खुल जाएगा 2000 रुपया क्विंटल थे अभी तो मालूम नहीं है ज्यादा का आपकी उम्मीद का कह रही है भाई किसारी तो आप वो बहुत लंबे समय से कर रहे हो तू बात ठीक है का आपकी उम्मीद का कह रही है हां खुल जाएंगे इतने तक कोल्ड अब या किसान की तो खुलत रही व्यापारी तो खुल सकत है तो व्यापारी के हाथ में आलू तो जैसा रखू व्यापारी तो खुल सकत है तो खुल सकत है 2000 रुपया तो कोल्ड हां सर खुल सकत है जाऊ तो इतने को नहीं खुलेंगे तो का खुलेंगे हां व्यापारी है नहीं बेचे था हुआ भाई।